हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एक्सेल का पार्ट वन लेकर आया था बेसिक एक्सेल के बारे में, जिसमें बताया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज के बारे में बताऊंगा। जैसे दोस्तों अगर आपने कोई भी चीज़ वर्टिकल में टाइप की है और उसको भी आप लोग को हॉरिजेंटल में करना है, आप उसको कैसे ईजिली कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आप लोग को बताऊँगा। और अगर दोस्तों जैसे कि आपने कोई भी एक चीज़ टाइप की है और बीच में उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है और उसको क्या कहते हैं स्किप ब्लैंक हेल्प से कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, जल्दी से हम एक्सेल में चलते हैं। दोस्तों ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें जैसे कि ये मैंने टाइप करके रखा हुआ है, दोस्तों इसमें अगर हमारे सर ने बोला कि ये तुमने क्या कहते हैं वर्टिकल में क्यों टाइप किया है, हमको हॉरिजेंटल में चाहिए, तो आप इजीली इसको कैसे कर सकते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों सिंपल सा आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आइए। दोस्तों यहाँ पे आएंगे आप साइड क्लिक करके, यहाँ एक पेस्ट स्पेशल होगा, पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक देखिए ट्रांसपोज नाम का एक तो आ रहा होगा, इस पर ट्रांसफर पर टिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए आपका हॉरिजेंटल हो गया है, ये देखिए दोस्तों हॉरिजेंटल इजिली आप लोग का हो गया है, ये हॉरिजेंटल है। ऐसे आप करके दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैं पूरा टिक करके सेम साइज का कर देता हूँ, ऐसे आप लोग उसका सेम साइज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे नेम है, फादर्स नेम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, SMB ड्राइवर है, सीनियर मैकेनिक क्या है, उसकी डेजिग्नेशन वो है, किस पोस्ट पे काम करते हैं, मोबाइल नंबर है सबका। तो ऐसे दोस्तों आप कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को और बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग क्या कहते हैं जैसे ये है, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि इसका फॉन्ट हम लोग ने बड़ा कर दिया है, फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बता रहा हूँ। और अगर इसी जैसा मुझे इसको भी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, दोस्तों इसको सिंपल से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट प्रिंटर नाम का यहाँ पे तो क्या कहते हैं आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूरा आप सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, देखिए सेम साइज का एकदम सेम टू सेम वैसे के वैसा हो गया है। दोस्तों इसको आप कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड येलो कलर है, अगर इसका भी येलो कलर करना है तो हम लोग इसको भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इस पर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर लेना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और आप सब पे भी कर सकते हैं, ये इजिली ऐसे हो जाता है। उसके बाद नो फिल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए नो फिल पे, तो उसके बाद जो कलर था वो हट जाएगा। और दोस्तों जैसे कि कोई टेक्स्ट को कलर करना है तो मैंने इस पर टेक्स्ट से कलर कर दिया, और अगर हम लोग को हटाना है यहाँ पे आइए, आप किस कलर का टेक्स्ट था, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर कर दीजिए, ये ब्लैक कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड चीज मैं आप लोग को स्किप ब्लैंक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे जनवरी, अप्रैल, मार्च, यहाँ पे अप्रैल की जगह फरवरी होना था, यहाँ अप्रैल है। और दोस्तों अगर हम लोग सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अगर हम ट्राई करें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों जो ब्लैंक था वो भी आ गया, मतलब जनवरी गायब हो गया, मार्च अप्रैल गायब हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका हेल्प से हम लोग स्किप ब्लैंक के हेल्प से इसको करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, यहाँ अप्रैल नहीं होना चाहिए, मार्च के बाद ये अप्रैल आ गया, हम मई की जगह जुलाई लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करना है दोस्तों, इसको कॉपी करिए आप सिंपल सा, यहाँ कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए साइड क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए स्किप ब्लैंक करके एक तो कॉलम आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जो ब्लैंक था वो स्किप कर दिया गया, स्किप ब्लैंक का यही काम होता है, जो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक थे उसको स्किप करके उसने पेस्ट कर दिया जो जो चीजें लिखी थी, जैसे जनवरी के बाद फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा मंथ वाइज एकदम करेक्ट हो चुका है। स्किप ब्लैंक का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों इस वीडियो में आप लोग को मैं जो ट्रांसपोज और स्किप ब्लैंक के बारे में बता रहा था तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।